अब आशीर्वाद दो गांव की एकता रखो। हाँ अपने तो मैं मेरे विचार से तो मैंने अभी तक इतनी भीड़ पहले कभी देखी नहीं। देखी सर कभी देखी सर इतनी आज पूरे गांव वाले लोग और हमारी माता बहने भी आई हुई है सभी और इन सब का आपके हमारी तरफ से तो तहे दिल से आशीर्वाद है भाई कि आप हमारे यहाँ हम देखो साहब कैसा मंगल गीत गाइए लुगाया वो ब्याह को उत्साह ही तो है, उत्सव ब्याह को ही है क्योंकि वो लोकतंत्र को उत्सव है। इन आपस सही तरीका मनानो है और बढ़िया घट स्थापना करनी है। हाँ ताकि 5 साल तक अपना हाथ में आवे चोखा आखा, नहीं तो विकास के नाम पर पाड़ता रेजा वाला फाका। और सारा काम छोड़कर सारा तनाव भूलकर 7 तारीख ने मतदान अवश्य करना है। कोई बेबसी नहीं है जीवन में। अरे बेबस कौन है, समुंदर भी बेबस है। कोई क्यों है समंदर कई समंदर बेबसी अपनी कह नहीं सके, समंदर बेबसी अपनी कह नहीं सके। अरे हजारों मील में फिरियोड़ो तो है पर बह नहीं सके, बह नहीं सके। जीवन में की आस पूरी है, सबके कुछ ना कुछ कमी अधूरी है। देखो आपा तो भोला बड़ा मिडिल क्लास लोग हैं, आपा का साइकिल के पंचर गाड़ी के पंचर की चिंता में ही है। पर जो बड़ी कंपनियां का मालिक है ब्याह का टेंशन है कि भाई देखो माँ के पड़ोस वाली लुगाई ने भी को हस्बैंड हवाई जहाज लार दे दियो, तुम्हारी मिसेज भी 10 दिनों कलेश कर रखी और रोटियां निखा रही है, हवाई जहाज लार देने और महीने में खर्चो ज्यादा है। तो सबकी आप आपकी ढपली अपना अपना राग। अब आर तो चल रहा है चुनाव, बड़े प्रत्याशी नहीं पहने जो पाग, और जब पाग की आई है बात तो आपकी अभिषेक चौहान से करा दा मुलाकात। देखो क्या ना अभिषेक चौहान पगड़ी पहनकर फूल माला लदियोड़ा और ब्यावर का सेंधड़ा रोड पर प्रेम नगर क्षेत्र में जन जन से समर्थन मांग रिया है और बैगी समस्या नोट कर रिया है, कैलेंडर पर टांग रिया है क्योंकि आ तो आबाड़ी 7 तारीख की बतासी कि 12 जना कौन विधानसभा में जासी। अरे रात भले ही होगी दिन भी आसी, थोड़ी देर तो रोक ला उबासी, आओ आपने दिखा अभिषेक चौहान को जन संपर्क। क्या हाल है? ये क्या सब आपने आपने कोई वोट देना है, अलमारी के बटन को बटन दबाना है।
अब मारी तो कही गांव गांव डगर डगर घूमता घूमता प्यास के मारे बुरो हाल हो जावे। और आपने ये विधानसभा क्षेत्र में जल और जिला ये दो ही है जो हिला रखे है मुद्दा ने। हाँ, जल और जिला या मुद्दा हिला वर्षों से हुई है, सड़क पानी बिजली। मैं एक नेताजी ने पूछियो, मैं अगर बरसों हो गया चुनाव लड़ता ने, 1952 में पहलो चुनाव हुयो, जद भी सड़क पानी बिजली ही, अब डिजिटल वो कौन सा टर है, कंप्यूटर युग आ गया तो ही सड़क पानी बिजली। तो क्या महान नेता लोग की आई तो क्वालिटी है, एक जुबान दे देनी, जुबान वो फिरा कौन ही। मैं को सत्ता का लालची थोड़ी है जो हर बार नया नया मुद्दा लावार थाने पोटावा। एक ही मुद्दों है, सड़क पानी बिजली और नाली। बात पसंद आई तो थोड़ी बजा दो ताली। हाँ, अरे मन तो एक मन प्यास लाग रही, पहली कुछ ढंग को पानी तो मंगा ले। वहाँ आजकल तो पाइपलाइन में कह जाए फूट जाओ तो दूषित पानी भी अब लाग जाओ। तो देखो, ओम श्रीम क्रीम ह्रीम वानस्पते जलम प्राकट्य प्राकट्य। और ओ कौन भेजो यार, कौन भेजो? हाँ ब्रदर, ये आम, ओहो आपका ब्रदर कंजर ब्रदर, चेन्नई से आपको भेजे नारियल ब्रदर, नारियल इसलिए भेजा। आपका राजस्थान में इलेक्शन होता तो जो कैंडिडेट आपको रियल लगता रियल को वोट देना, और जो कैंडिडेट रियल नहीं उसको ना, तो जो रियल नहीं उसको ना, इसलिए ना रियल। और जो आपका कैंडिडेट पसंद का हो उसको ही हाँ वोट दे, जरूर देना भाई। अब हम जाते, गुड बाय। देखो कितनी बढ़िया बात बताइए मारो भाई, चेन्नई से मारो कंजर हो, कंजर गई कजन ब्रदर है के भाई, जो रियल हो भी कोई चैन कर जो, और जो ना रियल हो भी चैन मत कर जो। यानी ढंका ने मतदान और ढंको कोनी जी ने मतदान, ठीक है ना? खाली हो गयो बात बात में। ओ यार मैं हाँ कठू मंगा लो, कटी भेज दो। और आप तो देखो बड़ा बड़ा लोग शुद्ध शुद्ध नहीं शुद्ध शुद्ध सात्विक पी रहे हैं और प्रकृति के साथ ही जी रहे हैं। तो हो अंग्रेजी के फेर में, अरे भाई अंग्रेजी के फेर को मतलब पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर। थोड़ा अपने इंडियन कल्चर को भी ध्यान रखो, है ना? इंडिया को ध्यान रखो, अपना प्रेम प्यार रिवाज संस्कृति कितना बढ़िया। अपना बडेरा अपन आचरण सिखाया है, रसोई में 16 मसाला दिया है, 9 रस है, 16 कलाई, अरे कला हो नहीं 16 कलाए, 16 कलाए कलाए। हाँ अपना बडेरा कितनी तरह की चीज़ें आपने दी है, लेकिन आपा मोबाइल व्हाट्सअप यहाँ में घुसी उड़ा हाँ, यहाँ में मत घुसो, यहाँ से बाहर निकलो, है नहीं? तो अब आप देखो पारस जी पंच को जो कार्यालय है कांग्रेस चुनाव कार्यालय ब्रह्मानंद रोड पर, बटे ब्लॉक अध्यक्ष अजय शर्मा कार्यकर्ता की मीटिंग ले रहा है। तो भी मीटिंग पे एक नजर डाल लो कैसी रणनीति बन रही है। कांग्रेस पार्टी जैसे मान लो वार्ड नंबर 13 है, तो मेरा तो सब एक है भी, कोई हमारी यहां कोई स्पेशल लाइन ना करियो भाई, सारे तो भाई एक है, एक तो काम ये है। दूसरा तो मेरे को बनाना नहीं आया, मेरे लिस्ट को सेट करके ले लो, और ये लोग को अपने लेवल पे काम करके करो, इसकी अपना वो जीतना है, बहुत जरूरी जीतना है।
अगर आप जीतोगे तो सबका मान सम्मान इज्जत रहेगी। अजमेर जोधपुर कई भी जो अपना एक मिनट में होता था कभी भी हार नहीं फंसोगे। अपना कांग्रेस का प्रत्याशी परस जी पंच वाड़ा में सघन दौरों कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में भी जा रहा है, जन समर्थन भी पूरा है और इस बार बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। हाँ, और परस जी पंच को जो समर्थन लोग कर रहा है, आप खुद भी देखो, फतेहपुरिया दोयम पहुंचा है और पंजाबी जीण बिगवाद छावनी की लुहार बस्ती में मेरे को भव्य स्वागत हुयो है और लोग नारो लगा रहे हैं छत्तीस कौम को एक ही मंच परस पंच में। यार बात तो बढ़िया कह रहा है पर गई जितो उत्साह अपा अपार दिखा रहा है। प्रत्याशी भी जीते बाद भी तो उत्साह अपना नगर और मगरा का विकास के लिए दिखाना चाहिए। जद मजो आवे कि मंच छत्तीस कौम को ही है। हाँ, और मामला आप आपके झोम को ही है तो मतदाता दिखा रहा है अपनो झोम और गले मोहल्ला वार्ड मगरा में खट्टी हो रही है छत्तीस कौम। आओ देखो परस जी पंच को जन संपर्क। इसको मिली क्या राय? मिली क्या? तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? उखाड़ फेंकना चाहिए? जोर से बोलो, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? इस बार इनकी हार पक्की कर दोगे? भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक दोगे? पक्का कर दोगे? तो एक बार जोरदार हाथ उठा के इनको नारे लगा के बता दो पारस जी को कि पूरा ब्यावर आपके साथ है और वार्ड 31 32 33 34 की सारी जनता आपके साथ आपके पक्ष में समर्थन करेगी। भारत माता की, हमारा कैसा हो। जिसके चुनाव 7 दिसंबर को होने, चुनाव उससे 5 साल पूर्व भी हुए थे, उसके 5 साल पूर्व भी हुए थे, पिछले 15 साल से हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। 15 साल से मैं आप लोगों के बीच में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले 10 साल से हम एक ही पार्टी के विधायक और एक ही व्यक्ति को हम चुनते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल और उस वक्त भी जब, मैं आपको एक याद दिला दूं, उस वक्त भी जब इन्होंने जल और जिले की मांग की थी तो हमारे सम्माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ब्यावर से जेवाजा तक पाइपलाइन को 250 करोड़ रुपए की मंजूरी 1 मिनट में दे दी। ये नहीं देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक कौन है, क्या उस योजना का क्या हुआ। मैं इस शहर में चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इस फतेहपुरिया दोयम में मुझे मालूम है करीब करीब सब आसपास के ग्रामीणों से मेरे साथी लोग यहाँ मतदाता है, वो पाइपलाइन आज तक उसका पूरी नहीं हुई, 7 साल हो गए। महाराणा प्रताप साहब जय हो, इसकी लाज रखना आपके हाथ में भाई। बिल्कुल साहब, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी परस पंच। तो देखो साहब, परस पंच का कैसो प्रचार प्रसार चल रही है, गांव गांव डगर डगर गली गली नगर नगर। कही हो कि आपा केवन सकारात्मक सोचो, सकारात्मक सोचो, तो मैं भी मन काटो करियो कि यार आपने सकारात्मक ही सोचना है। और कोई को बर्थडे हो तो बधाई दो, कोई कठे विजय प्राप्त करे तो बधाई दो,
तुम्हें कि भाई हर अच्छाई की तारीफ आपा भी कह रहा हूं। तो मैं घरों बारे निकले हो तो नेता लोग माड़ा पेन पेन घूम रहे, मैं कि यार कोई भी पार्टी को सामने आते यहाँ पर बधाई दे दे वहां। तो मैं देखे चार पांच जना, एक डोकरो, दो डोकरिया, तीन चार लुगाया, सब माड़ा पेर घूम रही। अब माड़ा पेर घूम रही तो मैं क्यों आपा भी एक माड़ा यान पहना दे वहां और बधाई दे दे वहां। तुम्हें जार कियो ओ शुभ दिन तो हमेशा आपका रेवे, बहुत बहुत बधाई, हमारे तरफ से भी माड़ा स्वीकार करो। तो डोकरी भड़क गई, अरे तने शरम आनी चाहिए। मैं क्यों, अरे माता जी शरम कई बात की, आप चुनाव में खड़ा हुए हो हैं, अगर निर्दलीय हो तो मैं तो बधाई दे रही हूँ नी, जीत की जीतो नहीं जीतो, 11 तारीख ने बीतो बातों बाद की बात है, पर अबार तो आपने पहली मुलाकात है। कह रहे बाप खड़े थे ना शरम आनी चाहिए, तू मन माड़ा पहना रही और कह रही हो शुभ दिन हमेशा रह जो। मैं क्यों कही होगी, अरे माँ के तो मैं फलान चंद जी समा गया, मैं तो गंगा जल गाल बने गंगा जी हरिद्वार जा रहा। मैं ओ मिस्टेक से गलत चयन हो गया, और जब गलत चयन हो जावे तो शर्मिंदा होना पड़े, तो आप लोग भी शर्मिंदा मत हो जाइयो। हाँ मत हो जाए जो थे गलत मतदान करके शर्मिंदा, नहीं तो जीत गयो कोई 100-200 तो तबेला कर दे लो ऊंदा, तो हर मामला हो जावे सुंदा। तो याद रख जो 7 तारीख को दिन बढ़िया जीता तो विकास की दे देना दिन, दे देना दिन, दे देना दिन। तो अब आप सब देखो अगला प्रचार प्रसार में कौन आ रहा है। ओम ससिना इंदो वृद स्वाहा, ससिना फूका विश्वविदा, ससिना स्तारक्षो अरिष्टनेमी, ससिनो बृहस्पति ददातु। तो देवेंद्र सिंह ने देखे आप मेवाड़ी गेट पे संतोषी माता का ढोक खाई है, और पूरा बाजार में व्यापारियों जनताओं आम जन से मिल रहा है। आप क्यों नहीं, बात तो सर्दी है, जाम फल को सीजन है। अरे जाम फल तो जाम फल, बिना सीजन के आम फल भी आयोड़ा है, जितना भी आम है वे खास हो गया। हाँ अवार्ड तो की बहुत पूछ है, अरे पूछो मन याद आयो कि वह जान ब्याह शादी में बाद में फिर वह बहू ने सासू शुरू शुरू में तो कि हमारी बेटी है, बेटी भी कह तू मेरी माँ है, फिर कटे तो बहू कह सासू तो मैंने पूछ नहीं रही है, मारी पूछ ही कौनी, मारी पूछ ही कौनी, कटे सासू कह वह बहू का आगे मारी पूछ ही कौनी, पूछ ही कौनी। तो एक बार भगवान और नारद जी घूम थोड़ा जा रहा, तो आप बात सुनी कि भाई हर लुगाई के मारी पूछ कोनी, मारी पूछ कोनी, बे गई डिस्टेंस ज्यादा हो समझिया कोनी, पूछ कौन सी है। तो वह किया कि भाई प्रभु अगर लुगाई के पूछ चारी है तो पूछ लगा दो नी। मैं कह हाँ यार लगा देखा कई हो गए, तो पूछ लगा दी, सारी लुगाया के पूछ होगी, अब लुगाया के पूछ होगी, लुगाया कर यार पूछ आगी। अब पूछ का मामला में देखो फैशन में कैसे परिवर्तन आयो है, क्योंकि फैशन के दुकान पर आजकल नकली नाखून, पलका पर लगा पा कि नकली पलका, नकली बवर या नकली बाल, हर चीज नकली, मुस्कान भी अब तो होगी नकली। और कई लोग हैं तो ऐसी बन ठंड का निकला आप कहे ओह हो यार देखो रानी रूपवती जा रही है, दूसरे की नहीं पद्मावती है, और अचानक मेड़ा में बरसात होगी, हो नहीं सबको मेकअप धुल जावे,
ओके बच्चा तो डर के मारे आंखें बंद कर ले, मम्मी भूत के भूत को नहीं बेटा, आंटी ने मेकअप किया हुआ था, उतर गया, अपने पड़ोस में रहती है। तो खेज कैसे हो, घटनाक्रम भी हो जाए। तो जब भगवान लुगाया के पूछ लगा दी तो फैंसी स्टोर पे लुगाया जावे यार, खबरा में यार, पृथ्वी का वातावरण में फैशन में कहीं फर्क आयो। लुगाया गया, सुनो वो स्किन कवर है क्या पूंछ का? वो क्या पूंछ को कवर? हाँ देखो मेरे पूंछ, ओ यूँ 12 AOD, कोई अच्छा सा कवर बताओ ना मेरी पूंछ के लिए, कोई डायमंड वाला कवर है? वो क्या यार पूंछ कहीं होगी, लुगाया के माँ के मूछ पे दिक्कत आएगी, पूंछ पे कवर। साड़े की दुकान पे, ए सुनो आपके पास ये हमारी पूंछ का कवर है क्या? सिफोन में बता दो, जॉर्जेट में, हाफ ऑफ में है क्या? हाफ ऑफ में क्या? हाँ देखो आधी पूंछ तो काली दिखे, आधी सुनहरी दिखे, कोई हाफ ऑफ में है, कोई कांजीवरम में चिलक थोड़ी पूंछ को कवर। वो कह रहे यार अखबार की खबरें बदल दी, राह चलती युवती की पूंछ से हुई छेड़छाड़, कॉलेज जाती युवती की पूंछ फंसी साइकिल की ताड़ी में, सोती हुई युवती की पूंछ काट कर ले गया प्रेमी, और क्या तरह का खेला है साहब, तो मामलो पूंछ को है, तो आप भी ऐसो प्रत्याशी चुन जो जो आपकी पूंछ करे 5 साल तक, यानी आप अपनी पूंछ लिए लिए घूमते रहो भी कागज ला रहे माँगी समस्या माँगी समस्या, ऐसो नहीं, बढ़िया ने चुन जो, मतदान जरूर कर जो। और कई तरह की समस्या रेवे, एक समस्या लेर मागे विधानसभा क्षेत्र का, जब एक व्यक्ति नेताजी के ने पहुंचा तो नेताजी कई जवाब दियो है, आओ आप देखा। अब कुछ सवाल दर्शकों के हमारे साथ में है, हमारे रिपोर्टर संजय अभी दर्शकों के बीच में है। तो नेताजी पहला सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं। नेताजी आप ये बताओ काले धन के बारे में आपका क्या विचार है? काला धन, हाँ बहुत बड़ा सवाल है नेताजी, पूरे देश में उठाया जा रहा है, मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। तो काला धन के बारे में जानना चाहते हैं जी। जैसे काला मन होता है वैसे काला धन होता है, क्या आपने कभी मन देखा है? काली तो भैंस भी होती है, इस तरह की जवाब नहीं चाहिए हमें। मेरी बात सुनिए, तर्क पर आधारित बात है, तर्क पर आइए। क्या आपने मन देखा है? बिल्कुल देखा है, आमिर खान वाली। अरे बड़ी निहाय, किसने आपको रिपोर्टर बना दिया? मन देखा है, मन नजर आता है कभी? अच्छा वो मन, मन महसूस किया जाता है, उसी प्रकार काला धन महसूस करने की चीज है, महसूस कीजिए, उसके ख्वाब लीजिए, आनंद लीजिए कि प्रति व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिलेंगे। और जब आप ये जो विचार आत्मा में जाता है, मन में जाता है, दिमाग में जाता है, प्रति व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिलेंगे, तो मन में कितनी ऊर्जा आती है, और जब मन में ऊर्जा का संचार होता है तो मन मस्तिष्क और दिमाग एक लय में काम करने लगते हैं, और जब माइंड बॉडी एंड सोल एक साथ काम करते हैं तो नव युवक देश के विकास में लग जाते हैं, इससे देश का विकास होता है। यही है काले धन का फंडा, लाना किसको है, दिखाना किसको है? क्या विचार है आप कमाएंगे तो किसी और धन की जरूरत नहीं हो, क्या आपको भीख चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, तो फिर बस भूल जाइए काला धन, यही है काला धन विचारों में। क्या बात है नेताजी, आप तो बड़े आध्यात्मिक भी हैं। अरे वाह, तरुण जी आपको आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब मिल गया होगा, मुझे तो लगता है कि आप संतुष्ट होंगे इनके जवाब से, बड़ा ही आध्यात्मिक और बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया है, ऐसी उम्मीद नहीं थी ऐसे आदमी से, जिनका नेचर लक्षण जिनके ऐसे हो, इतना बढ़िया अच्छा जवाब दे। तो देखो नेता लोग बात बनावा में एक्सपर्ट हुए, तो बेगी बात ने समझ जो, मनन कर जो, चिंतन कर जो, और कोई सी भी पार्टी को अपनो वोट जरूर दीजो, मतदान अवश्य कर जो। कई क्यों? अरे दो तीन, अब देखो मैं थाने पहले भी बताया कि दो चार को सवाल को नहीं, माँ के पास तो कोई वीडियो भेज देवे, जान पारस जी भिजवा देवे वीडियो, देवेंद्र अभिषेक है तीन ही जागरूक है नहीं। आपने पहले भी क्यों शंकर सिंह जी को कोई प्रचार प्रसार इकट्ठे हो रही हो, कई हो रही हो, कोई वीडियो अगर भी आपको आ नहीं रही हो, मैं तो खुद चाहवा कि मां के विधायक महोदय को भी चुनाव प्रचार दिखावा, 10 साल हुआ अपने विधायक है, हाँ प्रेम प्यार मोहब्बत रखे। अब देखो अभिषेक जी फोटो भेजिए तो आप फोटो दिखा देवा, अरे वो वर्ल्ड कप थोड़ी लेना है, 4 दिन की चांदनी है, फिर भाई अंधेरी रात तो मैं नहीं कह सकूँ,
क्योंकि हाल तो 7 तारीख की उजड़ी रात आ रही है, और भी उजड़ी रात ने इतनी उजली बनानी है कि पूरा 5 साल तक चांदनो फेलोड़ो रे। तो अभिषेक जी जो फोटो भेजी है वह पर डाल लो नजर, वह भी खूब चुनाव प्रचार कर रिया है ब्यावर और मगरा की डगर डगर डगर। तो देखो साहब, आपकी मुलाकात कराई अभिषेक सिंह जी चौहान से, और शहर में नहीं ग्रामीण जनता में भी प्रत्याशियों ने लेकर बहुत उत्साह है, और उत्साह तो है क्योंकि मतदान को उत्सव है, लोकतंत्र को त्योहार है। बाकी तो आपको खुश होबा के लिए खुश होबा को मौको ढूंढना पड़े, जाने गांव वालों डोकरो भी की डोकरी लड़ती घनी, तो वो कि यार आज तो टेम गार्ड मु पिस्सर जाऊं पिस्सर देखवा जाऊं, तो आपने भी मल्टीप्लेक्स में लाई गोड़ी 2.0 क्या रो रोबोट रोबोट कही है, आपने घर में तो रोज ही बट काट है बट वो रोबोट कही करे है, तो देखा तो वो थोड़ा उत्साही हो वो लाई एक मिठाई की दुकान से सोन हलवो खरीदियो गोल टिक्की आवे बस चिकनी, यार सोन हलवा को शौक है पिक्चर में सीन बड़ी आयोजन में खाओ उत्साही। तो टाकीज में जार बैठे हो और टाकीज में जार के पहली विज्ञापन शुरू होया, पहली तो चुनाव में मतदान करे रहे सही को चुने रहे सा चल रहे, बीच में एक ट्रेलर आ गयो फिल्म शोले को, कितने ही आदमी थे वो के साहब मन तो ध्यान ही कोनी, गांव गयो जद साहब नोटबंदी हो भी टाइम तो लाइन में लगेड़ा, और जो बचोड़ा अभी एटीएम की लाइन में लगेड़ा तो पता ही नहीं पड़े कितने आदमी थे। वो कह रहे हो सांबा सरकार कितना को इनाम रखी है कि साहब इनाम इनाम तो छोड़ो पुराना नोट तो बंद हो गया काम धंधा में लागो, और सबसे पहले तो 7 तारीख में चुनाव है, चुनाव में वोट डाल दो को बढ़िया सरकार आ जाए तो आप तर जाओ, नहीं तो आप बड़ो को डाकू आ गयो तो आपनों करियर खत्म हो जाए। ओके हाँ यार आ बात तो बिल्कुल सही कही, तो अभी के बाद वो फिल्म चालू हुई रजनीकांत दिखियो तो डोगरो जहाँ नहीं मुंडा में सोन हलवो लेर बटको भरियो सोन हलवो स्लिप हो गयो और कुर्सी के नीचे पड़ गयो, अब वो ढूंढ लाई फिल्म भी देखा ढूंढ ढूंढ एक लोग कि हे बत्तीमीज क्या करते हो, दूसरे अरे हो कई कर रही हो पगर में कटा हार डाल रही हो, तो एक जन और बैठे हो आपने हवेली से हाँ हाँ क्या कर रहा है ना हॉस्पिटल, कह मारो सोन हलवो हेटा पड़ गयो सोन हलवो ढूंढ रही हूँ, कह रहा है यार 220 रुपये को टिकट आयो है डायमंड को और तू 10 रुपये का सोन हलवा में जीव घाल रही हो, वो कह सोन हलवा की बात कौन नहीं बाबू, मारा दाता को सेठ भी में फंसी ओड़ो है बात आ है, तो बी को तो फंस गयो दाता को सेठ, और थागा तो वे ही काम है आंगली दबाई जो और कर दी जो बैठ हाँ ताकि सही जगह हो जावे सेट। अब देखो साहब जब सही सेटिंग की बात आई है तो सेटिंग जब बैठा जब ऊपर वालों भी आपने साथ हो गए और भाग्य साथ दे रहे हो गए तो ऊपर वाला को हाथ और भाग्य को साथ, आ सेटिंग बिठावा के लिए ईश्वर की वंदना भी जरूरी है, ताकि कोई धर्म को हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, तो पारस जी पंच जैन संप्रदाय का है पर अपना हिंदू धर्म का देवी देवता ने भी धोखरिया है लोक देवता ने भी धोखरिया है, तो अजमेर गेट बारे ज्वालामुखी माता मंदिर को आशीर्वाद लियो है, बाबा राम सपीर को आशीर्वाद लियो है, और देखो पब्लिक केसो समर्थन दियो है।
तो देखो साहब, आपने जो भी प्रचार प्रसार माखन आया आपने दिखाया। अब 7 तारीख ने मतदान करनो है। हाँ हाँ ही कीजो, मत कीजो मत, और 90% पढ़ना चाहिए मत, क्योंकि निर्वाचन आयोग आई कहे कि यार नटवाजी थोड़ो यार बोलो, वोटिंग को परसेंटेज बढ़ावे। हर बार गई 60-65, कोई कोई बूथ में 75 भी होवे। अरे जब कोई कोई बूथ में 75 होवे, ब्यावर विधानसभा क्षेत्र का 103 नंबर कोड का जो भी मतदाता है, ब्याने अपनो प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। भाई गांव में तो आप सोच सके भाई आवा जावा की भी परेशानी रहे, साधन को भी अभाव रहे, बूथ भी दूर रहे, तो भी वे ग्रामीण जनता इतो बढ़ चढ़ कर वोट करे। तो आप घरों निकलो, वोट देबा जरूर जाओ, और थोड़ा सा समय लगाओ, थोड़ा सा समय लगाओ तो सब बढ़िया बढ़िया हो जाए। हाँ अगर समय काट लियो तो बढ़िया, नहीं तो फिर निकले ली था कि पापड़ बढ़िया। मैं और दिखाऊंगा थाने घटनाक्रम बढ़िया बढ़िया चला। देखो आवार जानो पहड़ी फिर आऊं, ठीक है। जय राम जी की सर। I'm gonna make you mine।